आई एम विजय कुमार, मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। लेक्चर समझ आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा अमाइलोइडोसिस पैथोजेनेसिस क्यों हुई, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोइड, कॉम्पोजिशन ऑफ अमाइलोइड और लैब डायग्नोसिस, लैब में हम अमाइलोइड को जांचे कैसे। व्हाट इज अमाइलोइड, अमाइलोइडोसिस है क्या? पैथोलॉजिकल प्रोटीनेशियस सब्सटेंस अमाइलोइड है जिसके डिपोजिशन को हम बोलते हैं अमाइलोइडोसिस। ये डिपोजिशन बिटवीन द सेल्स होता है, दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, ईसीएम के अंदर जब डिपोजिशन हो फिब्रिलार प्रोटीन का तो हम उसे बोलेंगे अमाइलोइडोसिस। अब ये फिब्रिलार प्रोटीन है क्या मैं आपको बताता हूँ। पैथोलॉजिकल इज एबनॉर्मल प्रोटीन सब्सटेंस, फिब्रिलार प्रोटीन है क्या? फिब्रिलार प्रोटीन ये देखिए, ये रहा फिब्रिलार प्रोटीन। नॉर्मल प्रोटीन जब मिसफोल्ड हो जाएंगे, टेंडेंसी टू फोल्ड इम्प्रॉपरली फोल्ड होंगे तो बनेगा फिब्रिलार प्रोटीन। दूसरा म्यूटेंट प्रोटीन, कि प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन हुई या फिर जेनेटिकली इनहेरिटेड है, पेरेंट से बच्चे के अंदर म्यूटेंट प्रोटीन आया जो बन गया फिब्रिलार प्रोटीन, जिसको बोलते हैं हम अमाइलोइड। इसका डिपोजिशन होगा तो प्रोसेस बोली हमने अमाइलोइडोसिस। ये म्यूटेंट प्रोटीन स्ट्रक्चरली अनस्टेबल हैं, स्टेबल नहीं है और प्रोन टू मिसफोल्डिंग है, मिसफोल्ड हो जाएंगे, फोल्ड इम्प्रॉपरली हो जाएंगे जो बन जाएगा फिब्रिलार प्रोटीन। फिब्रिलार प्रोटीन तीन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, ईसीएम के अंदर है तो जाहिर सी बात है ग्लाइकोजमिनोग्लाइकन जीएजी और प्रोटियोग्लाइकन, इनको तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन को अट्रैक्ट करेगा, प्लाज्मा जो बाहर निकलेगा ब्लड वेसल से उसको ये अट्रैक्ट करेगा फिब्रिलार प्रोटीन। 95% फिब्रिलार प्रोटीन होता है अमाइलोइड में, जबकि 4% प्लाज्मा प्रोटीन होता है और जीएजी और प्रोटियोग्लाइकन ये रेस्ट में होते हैं 1% के अंदर। तो कॉम्पोजिशन मैंने आपको यहाँ बता दी, पैथोजेनेसिस मैंने आपको बता दी कि फिब्रिलार प्रोटीन बना कैसे, कॉम्पोजिशन इसके अंदर है क्या, 95% फिब्रिलार प्रोटीन और 4% प्लाज्मा प्रोटीन और रेस्ट में ग्लाइकोजमिनोग्लाइकन और प्रोटियोग्लाइकन। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, फाइबर्स है तो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है जब हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। लैब डायग्नोसिस में बताऊंगा मैं आपको ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ये देखिए आप पेपर फैन जिसे हम बोलते हैं, जब ये पेपर फैन ऐसे zigzag शेप के अंदर बना हुआ है इसी को हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन की फॉर्म में आता है सेकेंडरी प्रोटीन्स के अंदर। लैब डायग्नोसिस, लैब में जांचे कैसे, ग्रोसली अगर हम देखेंगे जिस भी ऑर्गन के ऊपर ये जमा अमाइलोइड वो ऑर्गन हो जाएगा वैक्सी, और उस ऑर्गन का जो साइज है वो हो जाएगा बड़ा, ऑर्गन एनलार्जमेंट। वैक्सी कैसे देखेंगे, मान लीजिए लीवर के ऊपर जमा है, आप लीवर को पालपेट करेंगे उसके ऊपर की जो स्किन है वो ज़्यादा मोटाइल दिखेगी, वो ज़्यादा हिलेगी, तो आप बोल सकते हो कि ऑर्गन जो है वो वैक्सी हो गया है, उसके ऊपर एक कोट आ गई है, वो कोट अमाइलोइड की है, मैं बताऊँगा आगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे HNE स्टेन करेंगे तो जितने भी प्रोटीन होते हैं, जितने भी ये फाइबर्स होते हैं, हायलिन जो मैंने बोला, हायलिन इज सिंपली प्रोटीन, प्रोटीन इज सिंपली फाइबर्स, तो ये सारे के सारे पिंक कलर के दिखते हैं, इसिनोफिलिक। आपको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे आपको सब पिंक कलर का दिखेगा, आप इसे नॉर्मल से भी तो कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई नॉर्मल कोलेजन प्रोटीन भी तो हो सकता है, फाइब्रोसिस हुई है, हीलिंग हुई है, क्या पता उस बंदे को उस ऑर्गन में चोट लग गई जिसकी वजह से वो फाइबर्स आए हैं, लेकिन नहीं। ये देखिए आप इसका कॉन्गो रेड स्टेन से जब आप इसको स्टेन करेंगे आपको एप्पल रेड बायर फ्रेग्रेंस दिखेगी, और ये सिर्फ अमाइलोइड के अंदर ही दिखती है, ये और किसी को, ये स्टेन और किसी पर चढ़ता ही नहीं है, अमाइलोइड इससे कन्फर्मेटरी डिक्लेयर हो जाता है कि पेशेंट को उस ऑर्गन में अमाइलोइडोसिस है। अमोर्फस इसिनोफिलिक हाइलिन एक्स्ट्रा सेलुलर भी सेल्स के बीच में है तो जो उसके नेबरिंग सेल्स हैं उनको प्रेशर की वजह से धक्का मार रहा है, जिसकी वजह से साइड वाले सेल्स में हो रही है एट्रोपी, कॉजिंग प्रेशर एट्रोपी, साइड वाले सेल जो हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, साइज में घट रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर एट्रोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉन ब्रांचिंग फिब्रिल्स, नॉन ब्रांचिंग फिब्रिल्स ऑफ इनडेफिनिट लेंथ, ये मान लीजिए एक फाइबर, ये दूसरा फाइबर, ये तीसरा फाइबर, ये चौथा फाइबर, इनडेफिनिट लेंथ है इसकी, बड़ी है छोटी है, लेंथ सबकी अलग अलग है, नॉन ब्रांचिंग, इनके बीच में ब्रांचेज नहीं है। आप देखेंगे तो ब्रांचेज होती तो ये नॉर्मल प्रोटीन था,
लेकिन ब्रांचेस नहीं है, इसीलिए इनके बीच में ब्रांचेस ब्रांचिंग नहीं है, इसीलिए नॉन ब्रांचिंग फाइब्रल्स ऑफ इनडेफिनेट लेंथ जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के नीचे देख सकते हैं, बीटा प्लेटेड फॉर्म हम ये देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया ये पेपर फैन लाइक स्ट्रक्चर, ग्रोसली मैंने आपको बता दिया माइक्रोस्कोपिकली लैब में कैसे कन्फर्मेटरी डायग्नोज करना है अमाइलॉइड का। अगले लेक्चर में बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइलॉइडोसिस और कितने टाइप्स के अमाइलॉइड जमते हैं ऑर्गन्स के अंदर। थैंक यू।